Good morning students, how are you all? In this video, we are going to learn a marigold workbook in English for standard 2. हमने अपने लास्ट वीडियो में द मुंबई म्यूजिशियन स्टोरी की थी और उसके बाद आपने होमवर्क में यहाँ तक कंप्लीट किया था अपनी वर्कबुक में. आज हम आगे देखते हैं. फन टाइम फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए, अ प्लम्बर रिपेयर्स टैप्स. नल को कौन ठीक करता है? प्लम्बर. अ मैसन लेज ब्रेक्स. घर कौन बनाता है उसे कौन क्या कहते हैं? मैसन. अ वॉशरमैन वॉशिज क्लोथ्स. जो हमारे कपड़े धोते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉशरमैन. अ पॉटर कैरीज लगेज. जो हमारा सामान उठाता है उसे कहते हैं पॉटर. अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री. जो सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. फर्नीचर कौन बनाते हैं हमारे घर का? कारपेंटर. अ मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स. हमारी गाड़ी कौन ठीक करता है? मैकेनिक. अ नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स. पेशेंट्स यानी दर्दियों को कौन देखता है? तो नर्स. अ फायरमैन पुट्स आउट फायर्स. जब आग लग जाती है तो कौन आता है वहाँ पर? फायरमैन. चलिए, अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन. प्लेन कौन उड़ाता है? पायलट. नाउ मैच द नेम ऑफ द हेल्पर्स विद द टूल्स दे यूज. यहाँ पर जो टूल्स दिए गए वो कौन कौन यूज करता है जरा बताना, है ना? जैसे कि ये फर्स्ट टूल है, ये कौन यूज करता है बताओ? ये है सिलाई मशीन. यस, ये यूज करता है टेलर. तो ये किसके सामने जाएगा? टेलर के सामने. ओके, देखिए नेक्स्ट टूल इज अ बुक. ये कौन यूज करता है? यस, टीचर. तो टीचर की तरफ लाइन कीजिए. चलिए फिर देखिए, ये कौन यूज करता है? पॉटर, पॉट्स बनाने के लिए, है ना? तो ये जाएगा पॉटर के सामने. फिर ये, यस, डॉक्टर. एंड देन ये काटने के लिए कौन यूज करता है फर्नीचर? अ कारपेंटर. एंड देन दिस सीजर कौन यूज करता है? बार्बर. तो बार्बर के सामने लाइन. ओके, अब देखिए यहाँ पर ये सिटी कौन यूज करता है? अ पॉलिसमैन. फिर ये पानी देने के लिए अब गार्डनर. फिर ये देखिए घर बनाने के लिए ब्रिक्स के लिए सीमेंट यूज करते हैं उसके लिए ये कौन यूज करता है? मैसन. उसके बाद ये हल कौन यूज करता है? तो हमारे फार्मर. एंड देन ये कौन यूज करता है दूध लेने के लिए? अवर मिल्कमैन. ओके, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे जो हमारी वर्कबुक की एक्टिविटी दी गई है वो. ठीक है, आप ये होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे फोटो भेजना.